वतन के सबके दिलों में बसते हैं ये। तो कर जुस्तजू चूले आसमां, बना ले तू अपनी नई दास्तां। तो व्यूअर्स, आज के हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है रियल स्टेट हीरो, उसके मेहमान हैं लाहौर रियल स्टेट इंडस्ट्री का इस वक्त जाना पहचाना नाम है, रियल स्टेट टाइकोन हैं। उनको हम रियल स्टेट हीरोज में शुमार इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम अरसे के अंदर ना सिर्फ रियल स्टेट में तरक्की की बल्कि इन्होंने हर आम बंदे का ख्वाब भी पूरा किया है। हर आम बंदे का ख्वाब होता है कि वो अपना घर बना सके, वो भी आसान इकसात के ऊपर। तो इनसे पूछेंगे इनकी कामयाबियों की कहानी, क्या मुश्किलात आई, कैसे इन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक, आप खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताएं, बहुत ज्यादा लोग आज आपका हाल तो सारे ही जानते हैं, आपका नाम गूगल करें आपकी पर्सनैलिटी के तमाम पहलू नजर आ जाते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कैसे इस सफर का आगाज हुआ, आपका बचपन कहाँ पर गुजरा, कैसा गुजरा, क्या बचपन से ही आपका ये एम था कि आपने रियल स्टेट टाइकून बनना है, बिजनेसमैन बनना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपके प्लेटफॉर्म से हम आज लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले अपने बचपन और बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। मेरा ताल्लुक ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर से है और वहाँ मैं पैदा हुआ और जब मैं 12 साल की मेरी उम्र थी तो मैं लाहौर आ गया। जब मैं लाहौर आया मेरे साथ मेरे चार छोटे भाई थे और मेरी वालदा साहबा थी, मेरे वालद साहब थे। हमें जो लाहौर आने के बाद सबसे बड़ा मसला फेस करना पड़ा था वो रहाइश का था कि जब आप गांव से लाहौर आते हैं और आपके पास वसाइल कम हो तो आपको रहायश के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रहायश आपका एक बुनियादी, सबसे बुनियादी ज़रूरत रहायश है, फिर खाना है, फिर सेहत है, फिर तालीम है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो खैर तालीम हासिल की, उसके साथ जॉब्स की, जॉब्स करते करते मैं बैरियाटाउन आ गया, मेरी बैरियाटाउन में जॉब होगी। बैरियाटाउन में मैंने देखा तो मैं रियल इस्टेट में जिस पर्सनैलिटी से बड़ा मुतासर हुआ, जिसको मैंने समझा कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वेलफेयर में, रियल इस्टेट में, पाकिस्तान के लिए मलिक रियाज हुसैन साहब, तो उनसे मैंने बड़ी चीज़ें सीखी कि वो किस तरह से उन्होंने डिलीवर किया चीज़ों को, किस तरह से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया लोगों को, किस तरह से अफोर्डेबल प्राइसेस दी। तो वो एक मेरे अंदर उससे एक तहरीक पैदा हुई कि जो चीज़ मैंने लाहौर आके फेस की, बड़े शहर में जब आया अपनी फैमिली को लेके, तो बाकी भी जो लोग कम वसाइल के जो लोग हैं जिनके पास आमदन कम है वो भी इस तरह के मसाइल फेस करते हैं। तो मैंने सोचा जब भी अल्लाह मुझे मौका देगा, इस काबिल बनाएगा, अल्लाह तौफीक देगा, तो मैं इस शोबे में ज़रूर काम करूँगा। ये वो वजह थी जो मेरे अंदर जिसने तहरीक पैदा की कि मैं रियल एस्टेट के अंदर एक इनकलाबी काम करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में हमने अपने पहले प्रोजेक्ट अल कबीर टाउन फेज़ वन की बुनियाद रखी जो कि बीकानेर नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ है, बीएनयू के साथ है और बैरियाटाउन के भी करीब है। तो वहाँ पे हमने 3 मरला और 5 मरला लोअर मिडिल क्लास के लिए दिया, अपने मुल्क के उन लोगों के लिए दिया जिनकी आमदन कम थी। और फिर वो वक्त के साथ साथ दिन रात चूँकि काम करने की आदत थी, एक वर्कर बन के, मजदूर बन के अपनी चीज़ों को ऑन करने की, जिम्मेदारी लेने की, बल्कि मेरा ये मानना है और कहना है कि देखें हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है कि ये बंदा फलां इदारे का ऑनर है, ये फलां चीज़ का ऑनर है, ये फलां चीज़ का ऑनर है। मेरे नज़दीक ऑनर बेसिकली वो होता है जो अपनी चीज़ों को ऑन करता है। जिस भी बंदे के अंदर ऑन करने की सलाहियत मौजूद है अपने ओहदे को, अपनी जॉब को, अपनी जिम्मेदारी को, वो एक दिन ज़रूर ऑनर बन जाता है। तो इसी तरह से जॉब का सफ़र तय करते करते अल्लाह पाक ने ऑनर बना दिया और अल्लाह पाक ने एक बड़े रियल इस्टेट इदारे का अल्लाह पाक ने ऑनर बना दिया और अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से, आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त प्लॉट डिलीवर हो चुके हैं, घर लोग बना चुके हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, लोग साफ पानी पी रहे हैं, लोग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी से, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई से मुस्तफीद हो रहे हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी के निज़ाम से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये बेसिकली रियल इस्टेट को नॉर्मली समझा जाता है कि शायद ये कोई एक पैसा बनाने की जगह है या ये कोई इन्वेस्टमेंट की जगह है, जबकि ऐसा नहीं है। रियल इस्टेट आपका पूरा लाइफ स्टाइल है, हर इंसान की जो जिंदगी है वो रियल इस्टेट में घूमती है।
है, आप अपने घर में आते हैं शाम को ड्यूटी से फ्री होके, आपकी फैमिली को अगर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिला हुआ है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिला हुआ है जहाँ पे उनको बीमारियों से पाक माहौल है, जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे मसाजिद हैं, जहाँ पे दीनी माहौल है, जहाँ पे शरई माहौल है, तो वो चीज़ें आपकी फैमिली के ऊपर और आपकी सेहत के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके मिजाज के ऊपर, आपके पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सिर्फ प्लॉट या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, हम एक प्रॉपर पूरे का पूरा लोगों को लाइफस्टाइल दे रहे हैं। और लाइफस्टाइल भी ऐसा कि देखें, हम लोगों को डाउन पेमेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कब्जे दे रहे हैं। 95% ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर्ड बिफोर टाइम। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो जमीन के मामलात हैं, रियल एस्टेट के मामलात हैं, उसके लिए कोई बड़े सॉलिड कानून नहीं है, जिसकी वजह से समटाइम आपको बड़ी स्वेयर लिटिगेशन फेस करनी पड़ जाती हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ आपकी डिले भी हो जाती है आपकी पूरी कोशिश के बावजूद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अलकबीर टाउन को अल्लाह ताला ने खास मेहरबानी के साथ नवाजा है कि आप देखें, फेज़ वन हो गया, फेज़ टू हो गया, ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो चुके हैं। किंग्स टाउन का हमने डाउन पेमेंट पे कब्जा दिया, मरियम टाउन का डाउन पेमेंट पे कब्जा दिया, उसके बाद किंग्स टाउन फेज़ टू का कब्जा दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कह लें कि कामयाबी की दास्तान है। और कामयाबी मैं इसी को समझता हूँ कि जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और जिन लोगों को छत मिल रही है, आप बिलीव करें कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खुशी होती है ना, जब भी मैं अपने टाउन में आता हूँ, हमारे मेन बिलुवाड के ऊपर भी जो 80 फुट के रोड हैं उनके ऊपर 3-3 मल्ला के घर बने हुए, जब मैं अपने टाउन में एंटर होता हूं, मैं देखता हूं वो बच्चे उन घरों से निकल रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, एक लाइफ नजर आती है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है। यानी आपने वो जो कॉन्सेप्ट है रियल स्टेट, असल जमीन का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको अडॉप्ट करके चले। अच्छा चौधरी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है जो ये प्रोग्राम देखे लोग मोटिवेट हों। माशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन है इस वक्त, तो आपने डेफिनेटली कहीं से स्टार्ट तो लिया होगा। आज आपके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, लेकिन जो आपकी पहली सैलरी थी, पहली जॉब थी, क्या वो भी एक अच्छी जॉब थी, व्हाइट कॉलर जॉब थी, आपको अच्छे महाना पैसे आ रहे थे? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल हर नौजवान जो है वो मायूस है, वो उसको 2 लाख भी मिल जाए वो कह रहे हैं मतलब वो सेटिस्फाई नहीं। क्या आप भी सेटिस्फाई नहीं थे इसलिए इस तरफ चल पड़े? नहीं, मेरा वाइस अब इसके अंदर जो है ना जी, थोड़ा सा एक पहलू मैं बताना चाहूंगा। नंबर वन, सबसे पहले जो मेरी सैलरी थी, जो मैंने पहली जॉब की, वो मैंने एक रेस्टोरेंट में की थी, और उसकी मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो 600 रुपए थी, महाना 600 रुपए मुझे सैलरी मिलती थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2000 की, 2000 में मैंने पहली जॉब की, आज से 23 साल पहले, 23 ईयर्स पहले। उसके अंदर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। आप, मैं ये समझता हूँ कि वो जो मेरी 600 रुपया तनख्वाह थी, उसके साथ जो मेरी लर्निंग हुई वो भी मेरी इनकम थी। सिर्फ वो जो कैश मिलता था वो मेरी इनकम, अकेली वो इनकम नहीं थी। मैंने उस, देखें जब आपको कोई बहुत बड़ी जॉब मिलती है ना, आप बड़े स्केल पर जाकर भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, लेकिन आप छोटे स्केल की चीज़ें फिर मिस कर जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान हर तरह के सेगमेंट से गुजरे, और अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को गुजारता है, कोई छोटी जॉब इंसान को मिलती है, कम पैसों वाली भी जॉब मिलती है, तो उसमें अल्लाह की कोई हिकमत होती है, अल्लाह ताला आपकी ट्रेनिंग करवा रहा होता है, अल्लाह ताला आपको सिखा रहा होता है, ताकि आपको पता चले कि उस तबका के लोगों के क्या मसाइल हैं, वहाँ पे उस लेवल पे जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो मुझे सैलरी मिली वो भी मेरे लिए एक माशी तौर पे चीज़ थी, लेकिन जो मेरी लर्निंग हुई वो उससे बड़ी, बहुत बड़ी चीज़ थी। वो लर्निंग उस लेवल पे रह के मैं कर सकता था, वो मैं कोई मिनिस्टर बन के वो लर्निंग नहीं कर सकता था, मैंने वो बहुत चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर मुझे एक, लेट्स सपोज, एक वक्त आया कि मैं एक कॉलेज में जॉब कर रहा था, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान में। तो मैंने वहाँ रहते हुए, मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप ये एक ऑटो कैड जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर घरों के नक्शे बनाए जाते हैं, आप ये कोर्स कर लो, तो आप साथ पार्ट टाइम ये काम करोगे, आपको इधर से इनकम भी होगी। अच्छा, वो मैंने उस वक्त, तो मैं रियल एस्टेट को जानता ही नहीं था, मेरा कोई रियल एस्टेट से ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो एक दोस्त के मशवरे के साथ मैंने अपना वो ऑटो कैड का कोर्स सीखा। मैंने लोगों को घरों के मैं मैप्स बना के देता था, नक्शे बना के देता था पार्ट टाइम जॉब से बाहर जाके, उससे भी मुझे अर्निंग होती थी। लेकिन आप देखें कि जब मैं वो काम सीख रहा था, मैं कोर्स कर रहा था, तो मैं अपने आप से कभी कभी सवाल करता था कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, यानी कि मेरी फील्ड और थी, मैं कोर्स और कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि मैंने फ्यूचर में इस काम में जाना है, तो अल्लाह ताला ने वो भी मेरी ट्रेनिंग करवा दी कि मुझे आर्किटेक्चरल चीज़ों का, ड्राइंग्स का, मुझे टाउन प्लानिंग का, नक्शों का, घरों की ड्राइंग डिज़ाइन का, ये सारा चीज़ों का अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दे दिया उस वक्त।
तो मैं अपनी जो यंग जनरेशन की आपने बात की ना हमारे बच्चों की, सबसे पहली बात यह है कि मायूस तो बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह ताला आपको जिस भी फेज से गुजार रहा है ना उसके अंदर अल्लाह ताला की कोई हिकमत कार फरमाए और आप अल्लाह ताला की उस हिकमत को सीखें और उस चीज से मुतमिन होके गुजरें। देखें टाइम तो गुजर जाना है, जितनी देर आपने उस फेज में से गुजरना है जितना टाइम लगना है, लेट्स सपोज हम यहाँ से इस्लामाबाद हमने जाना है, हमें 4 घंटे लगेंगे या 5 घंटे लगेंगे, हम वो 4 से 5 घंटे मुतमिन होके भी गुजार सकते हैं कि यार इतना टाइम लगना है, और हम गैर मुतमिन होके भी गुजार सकते हैं। अगर हम मुतमिन होके गुजारेंगे तो हमारा सफर खुशगवार गुजरेगा, अगर हम गैर मुतमिन होंगे तो वही सफर हमारा बेचैनी और बेजारी का सबब बन जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है और जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो ये है कि हमारा मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं जब जॉब कर रहा था, जिस वक्त मैं बैरियटाउन में जॉब करता था, मेरी 18,000 रुपये सैलरी थी और मुझे सऊदी अरेबिया से 1.5 लाख रुपए जॉब की ऑफर हुई और मैं नहीं गया। मैंने कहा कि मैं अपने मुल्क में रहूंगा, मैं अपने मुल्क के अंदर रहकर काम करूंगा। हम बाहर जाके बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो हम अपने मुल्क में नहीं करते। तो जब हम बाहर के मुल्कों में, मैंने देखा है मेरे कई दोस्त हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, कई नौजवानों को मैं देखता हूं वो बाहर जाके पिज़्ज़ा डिलीवर करके बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी मैं लंदन में आ गया, बंदा वो जी पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है, वो डिलीवरी बॉय बना हुआ है, वो जनाब टैक्सी चला रहा है, वो उबर चला रहा है, और वही काम अगर उसको यहाँ पर करना पड़े तो वो उसमें शर्म महसूस करते हैं। देखिए मेहनत में अजमत है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अरबों खरबों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर आसाइश दी है, अल्लाह ताला हर मकाम दिया, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने कोई छोटी जॉब नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटी जॉब्स की हैं, उन्हीं के अंदर मेहनत और अजमत थी और अल्लाह ताला ने इसी मुल्क से खाली हाथ मैंने जीरो से स्टार्ट किया और आज आप देखें कि ये सब कुछ मुझे पाकिस्तान ने दिया है, ये हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में पॉसिबल हुआ है। मुझे कोई अमेरिका से या मुझे कोई किसी बाहर के दूसरे मुल्क से एड नहीं आई, मुझे किसी ने इमदाद नहीं भेजी, यहाँ से रहते हुए सेल्फ मेड तरीके से हमने अपने आप को बनाया है, अपनी चीज़ों को लेके चले हैं, काम किया है, हमने इनपुट दी है, अल्लाह ताला ने हमें आउटपुट दी है, हमारी मेहनत से 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें अजर दिया है। तो पाकिस्तान के नौजवान जो इतना मैं देखता हूँ वो डंकियाँ लगा लगा के गैर कानूनी तरीके से 3-3 महीनों का सफ़र करके वो यूरोप जा रहे होते हैं और फिर वहाँ पर जाके वो क्या कर रहे हैं, मैंने उनको लेबर का काम कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क पे इतना प्यारा हमारा मुल्क है, इसके अंदर हमारी 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 22 करोड़ में 60% हमारी यूथ है, इतनी बड़ी पोटेंशियल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप एग्रीकल्चर के काम को ले लें, एग्रीकल्चर के काम में बहुत पोटेंशियल है, हमारी जमीनें जरखेज हैं, हमारी जितनी जमीनें पाकिस्तान की जरखेज हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, कि जितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है, मैं कहता हूं लोग अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, मैं पाकिस्तान को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहता हूं, हमारा मुल्क जो है ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही आपने बात की है, बल्कि आजकल हर नौजवान की ये कहानी है, शायद हर दौर में ही हर बंदा जो है वो बाहर जाना चाहता है, बाहर जाना चाहिए। देखिये बाहर मैं समझता हूँ बाहर इसलिए जाना चाहिए कि आपको सीखने के लिए जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक कहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हाँ ये इसको तो मैं बिल्कुल डिनाय करता हूं कि पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है वो कहीं नहीं है। चौधरी साहब एक और सवाल है, आजकल बड़ी डिबेट हो रही है कि जी रियल स्टेट इजी मनी है, मतलब लोग कहते हैं रियल स्टेट इजी मनी है, जब से जी ये रियल स्टेट का कारोबार आया है तो जी बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो उस तरह नहीं रही, ज़राअत पे भी जी लोग कहते हैं असर पड़ा है, एग्रीकल्चर पे। आप माशाल्लाह एक कामयाब रियल स्टेट डेवलपर हैं, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, वाकई रियल स्टेट इजी बनी है, इससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं या खत्म हुई है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखें रियल स्टेट जो है बेसिकली आप पूरी दुनिया में देखें, आप लंदन को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप दुबई को देख लें, आप सिंगापुर को देख लें, आप यूरोप के मुल्कों को देख लें, आप पेरिस को देख लें, आपको मैं जितनी भी ज्यादा मिसालें कहेंगे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। रियल एस्टेट नंबर वन के ऊपर कोई इजी मनी नहीं है। रियल एस्टेट के लिए देखें पाकिस्तान के अंदर चूंकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हर बंदा घर से उठता है और वो जाकर रियल एस्टेट का काम शुरू कर देता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज की कमी है, इस वजह से कुछ लोगों को रियल एस्टेट में नुकसान भी होता है क्योंकि उनके पास पूरी अवेयरनेस नहीं होती। बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं है, वहां पर रियल एस्टेट के लिए सबसे पहले करना होता है, उसकी प्रॉपर डिग्री लेनी होती है, उसके बाद फिर आप लोग ऑफिस खोल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं कहूंगा कि जहां पे ये कमी है वहां पे ये अपॉर्चुनिटी भी है,
देखे ना कि बाहर के मुल्कों में इतनी पाबंदी है कि आपने अगर रियल एस्टेट का काम करना है आपको सबसे पहले वहां पर जाके डिग्रियां लेनी है, लाइसेंस लेने हैं, इजाजतें लेनी है, फिर आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अगेन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उठो और उठ के एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ, अपना टैक्स नंबर लें और जाके अपना ऑफिस रजिस्टर्ड करवाएं और अपना आप रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर दें। तो रियल एस्टेट जो है, देखें रियल एस्टेट के अंदर इतनी जो मशीनरी काम करती है, रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक सीमेंट, सरिया, टाइल, बजरी, रेत, ये अलाइड 26 इंडस्ट्रियां रियल एस्टेट के साथ जो चलती हैं, जिनका पहिया चलता है, ये आपके भट्टे चलते हैं, वहां पे मजदूर काम करते हैं, आपके आपकी पेंट इंडस्ट्री चलती है, आपके ये एयर कंडीशनर, आपकी ये वुड के कारपेंटर्स और आपके ये सेंट्री की चीजें, ये सारी इंडस्ट्रीज आपकी रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हैं जो चलती हैं। और रियल एस्टेट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट इजी मनी है, रियल एस्टेट एक बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा समझदारी वाला और बड़ा एक अथेंटिक काम है। हाँ, जब आप रियल एस्टेट के एक सर्टन लेवल से आगे चले जाते हैं और वो आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, लेट्स सपोज आपने फैक्ट्री लगाई, स्टार्ट में वो बड़ी टफ होती है, फैक्ट्री को स्टार्ट में चलाना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट में करना थोड़ा टफ होता है। जब वो बिजनेस एक सर्टन लेवल से ऊपर जाके स्टेबल हो जाता है तो वो इजी मनी बन जाती है। इसी तरह से रियल एस्टेट के अंदर भी जो लोग शुरू में आते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बिल्कुल इजी टास्क नहीं है, इसको समझना पड़ता है। रियल एस्टेट एक समंदर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज की आपको जरूरत होती है, आपको जमीनों का पूरा पता होना चाहिए, आपको अप्रूवल्स का पता होना चाहिए। देखें रियल एस्टेट के ऊपर कितनी ज्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, आपकी एक कंसर्न जो होती है, जैसे LDA है, GDA है, CDA है, MDA है, कोई भी अप्रूवल अथॉरिटी है, फिर NAB है, FIA है, एंटी करप्शन है, अदालतें हैं, थाने हैं, कोर्ट कचहरियां हैं, वहां के लोकल मामलात हैं, उसके बाद एक डीलर नेटवर्क है, उसके बाद उसके पेमेंट प्लान हैं, फिर उसकी डिवेलपमेंट है, उसमें टाउन प्लानर्स हैं, उसमें आर्किटेक्ट हैं, उसमें आपकी प्रोक्योरमेंट टीम है, उसमें आपके साथ अलाइड मुंसलिक इंडस्ट्रीज हैं। इन सारी चीजों को मैनेज करने के बाद एक ये बहुत बड़ी एम्पायर है, उसके बाद आप पैसा कमाने के काबिल होते हैं। तो ऐसा कहना ये कोई कैसीनो नहीं है कि जहां पे जाके किसी ने जाना है और पैसे विन करके आ जाना है। रियल एस्टेट एक प्रैक्टिकल शोबे का नाम है और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी फील्ड है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अभी रियल एस्टेट का सिर्फ 10% काम हुआ है, 90% अभी काम होना बाकी है, जिसमें हमारे नौजवानों के लिए बहुत मौके हैं, लोगों को अभी भी आना चाहिए। मेरे चार छोटे भाई हैं, चारों के चारों रियल एस्टेट में हैं। ठीक है, मैं तो जो भी मुझे मिलता है मैं उनको मशवरा देता हूं कि आप रियल एस्टेट में कदम रखें। रियल देखें, बात यह कि जिस इंडस्ट्री में पोटेंशियल होगा आप लोगों को उधर का ही मशवरा देंगे ना। अगर एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसमें पोटेंशियल नहीं है तो आप कैसे उसको कह देंगे कि आप जाके इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें। रियल एस्टेट का पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, जो भी लोग आए हैं उन्होंने बहुत अर्न किया है और अब फ्यूचर में भी जो लोग आएंगे वो भी बहुत अर्न करेंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर अगले 20-25 साल 2050 तक जो है पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, हमारी आबादी मल्टीप्लाई हो रही है। देखें लाहौर की आबादी अगले 10-15 सालों में 1.5-2 करोड़ बढ़ जानी है, तो देखें 1.5-2 करोड़ घरों की जरूरत है, 1.5-2 करोड़ प्लॉट्स की जरूरत है, तो ये इसमें बहुत पोटेंशियल है। अच्छा चौधरी साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने जो भी प्रोजेक्ट दिया है सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है 3 मरला से बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, यानी कि आपने एक आम बंदे को जिस तरह आपने बताया है आपने हमेशा उसे फोकस रखा है। अच्छा, हमेशा कोई भी बंदा बिजनेस प्लान करता है पाकिस्तान में तो वो हमेशा टारगेट करता है एलीट क्लास को। हमारा माइंडसेट ये है, हमने अगर रेस्टोरेंट बनाना है तो एक ऐसी टॉप की जगह सोचें जहां अमीर लोग आए ताकि कारोबार चले। अच्छा, आपने इसके बिल्कुल बरक्स सोचा है, तो माशाल्लाह आपने तरक्की भी बहुत की, आपने पैसा भी बड़ा कमाया। ये थोड़ा सा बताएं, ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आपने जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस होता है, आप चाहते हैं तो आपके इर्द गिर्द तक बड़ी बड़ी हाउसिंग्स थी, आप 2-2 किनाल के गोल्फ कोर्स इस तरह के प्लॉट दे सकते थे, लेकिन आपने जो एक आम बंदे का ख्वाब है उसी को आप साल लेके चले और पैसा भी कमा लिया, ये कैसे हो गया? वो उसकी रीजन ये थी कि जो बड़ी बड़ी मैं सोसाइटीज देखता था उनके अंदर प्लॉट्स बड़े महंगे होते थे। ठीक है, अब जो हमारे मुल्क की एक क्लास थी ना, वो उसका सेगमेंट मिस हुआ हुआ था, उसको कोई देख ही नहीं रहा था। असल में अल्लाह ताला ने मेरी तबीयत ऐसे बनाई हुई है कि मैं आज भी जो है ना, जो भी बिजनेस करता हूँ ना, वो मैं पैसे कमाने के लिए कभी भी नहीं करता कि इससे मुझे इनकम होगी। मैं हमेशा बिजनेस का वो मॉडल अपनाता हूँ कि जिससे एक तो लोगों को रोजगार मिले और दूसरा लोगों को वहां से आसानी पैदा हो, लोगों के लिए आसानी पैदा हो। दो मेरी वजूहत होती हैं मेरे पीछे, जो रीजन होती हैं बिजनेस करने की, कि एक रोजगार मिले और दूसरा लोगों के लिए आसानी पैदा हो। मैंने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी इनकम बहुत कम है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो बैंकर्स हैं
बैंक में जॉब करने वाले हैं या किसी ऑफिस में क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, जो हमारा जॉब करने वाला तबका है, देखिए उनको शऊर पूरा है, इलम उनके पास पूरा है, हर जगह उन्होंने देखी होती है, लेकिन उनकी इनकम बहुत कम होती है। मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी कि मैं लोगों को बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज वाला स्टैंडर्ड दूं डेवलपमेंट का, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, सीसीटीवी सिस्टम, अंडरग्राउंड वायरिंग, बेहतरीन सेवरेज सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, इसके साथ मैं लोगों को एक लाइफस्टाइल दूं जो कि कीमत में बहुत कम हो, प्लॉट का साइज छोटा हो, जो कि अफोर्डेबल हो। तो मैंने ये एक मॉडल स्टडी किया, ये ऐसे नहीं है कि मैंने रात को सोया और सुबह उठ के मैंने कहा जी 3 मल्ला दे देते हैं, मैंने इसको पूरा स्टडी किया कि हमारे मुल्क की क्लास में रियल एस्टेट के लोग जो हैं किस क्लास के लिए काम नहीं कर रहे। जब मैंने एनालिसिस किया, मैं खुद भी उस क्लास में से हूँ, हाँ मैंने गैप तलाश किया, मैंने गैप तलाश किया और उस गैप के ऊपर मैंने काम किया, तो मुझे एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स मिला, और इतना रिस्पॉन्स मिला कि फिर बड़े बड़े डेवलपर्स ने मुझे कॉपी किया कि वो भी फिर 3 मल्ला और वो 5 मल्ला और उसी हमारी जो चीजें थी, कम से कम डाउन पेमेंट रखना, इंस्टॉलमेंट छोटी रखना, पेमेंट प्लान लंबा रखना, तो वो सारी चीजें फिर बाकी लोगों ने भी कॉपी की। मैं ये समझता हूँ वो कॉपी करना भी मेरे लिए बहुत खुशाइंद है, कि जो नेकी का काम आगे फैल रहा होता है तो उसमें भी आपका हिस्सा होता है, तो मैं समझता हूँ उस नेकी में भी मैं शामिल हूँ। चौधरी साहब, आपने रिसेंटली अल कबीर ऑर्चर्ड में 12 मरला 10 मरला एक कनाल, वो भी बड़ा आपने अफोर्डेबल रखा है। जी वो भी अफोर्डेबल रखा है। तो जानना ये चाहूंगा कि अल कबीर ऑर्चर्ड जो है, जैसे आपके बाकी मंसूबे 7-8 मंसूबे चल रहे हैं, राइवन रोड के ऊपर आप एक कामयाब डेवलपर हैं, अल कबीर ऑर्चर्ड को आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या ये छोटा प्रोजेक्ट होगा या बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा अल कबीर डेवलपर्स का? जी देखिये, मैं आपको बताऊँ की ये जो कोई भी जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनता है ना, वो इस बात के ऊपर आप उसकी एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसकी फोरकास्ट कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा बनेगा, नंबर वन के ऊपर कि वहां पे डिमांड कितनी है उस एरिए में, उस रीजन में जहां वो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है, जहां पे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, कि उस एरिए पे लोगों का ट्रेंड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, ट्रैफिक का फ्लो कितना है, लोगों का रुझान कितना है, और फ्यूचर में वहां पे क्या कुछ बनने जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू के ऊपर के वहां पे लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है, ये दो चीजों के ऊपर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना बड़ा बनने जा रहा है। अब आप ये देखें कि मैं ये जाती तौर पे समझता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट है वहां पे अल कबीर ऑर्चर्ड तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं, वहां पे बाकी भी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको भी मैं मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहा हूं कि ये जो काला शाह काकू का एरिया है, इस वक्त सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डिमांड है क्लाइंट की, अगर चाहे कोई क्लाइंट सियालकोट का है, चाहे कोई गुजरांवाला का है, चाहे लाहौर से लेके गुजरांवाला के दरमियान में जितने शहर आते हैं मुरीद के, कामों की, साधों की, और छोटी छोटी जितनी आबादियां हैं, और अभी देखें लाहौर और गुजरांवाला एक हो चुका है, और गुजरांवाला के जो लोग हैं आप देखें वो प्रेफर करते हैं कि जो सोसाइटी गुजरांवाला में लाहौर वाली साइड पर बन रही होती है ना, लोग उधर प्लॉट लेना पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह से सियालकोट है तो वो भी टूवर्ड्स लाहौर डेवेल्प हो रहा है, इस तरह से उकाड़ा है तो वो भी टूवर्ड्स लाहौर डेवेल्प हो रहा है, यानी कि जितने छोटे शहर लाहौर के इर्द गिर्द में है उन सब जो फ्लो है वो लाहौर की जानब है, और लाहौर की जानब जितना भी फ्लो है वो सारा काला शाह काकू गोल्डन इंटरचेंज से घूम के लाहौर के अंदर डिस्पर्स हो रहा है, यानी कि वहां से आपका लाहौर एयरपोर्ट 15 मिनट पे है, वहां पे आपका डीएचए 15 मिनट पे है, आपने यहां हम रायवन रोड पे बैठे हुए हैं, यहां से अगर हमने सेक्रेटरिएट जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, वहां से हमें सेक्रेटरिएट आने में कम टाइम लगेगा, यानी कि वो एक ऐसी लोकेशन बन गई है कुदरती तौर पर, उसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, वो कुदरती वहां पर जो डेवेलपमेंट हुई है पिछली कई दहाइयों से, वहां पर डेवेलपमेंट हो रही थी, वहां पे सीपैक का रूट आ रहा था, वहां पे इस्लामाबाद मोटरवे आ रही थी, वहां से सियालकोट मोटरवे निकल गया, वहां पे गुजरांवाला को चली गई सड़कें, वहां पे रिंग रोड बन गया, वहां पे मेट्रो आ गई, वहां पे 400-500 कनाल में एक थीम पार्क गवर्नमेंट ने बना दिया, और वहां पे फ्यूचर में लाहौर का जो नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो भी उसी विसिनिटी में जा रहा है, और मैं आपको एक और भी खबर देता हूं कि वहां पे लाहौर का क्या पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेवलपर है वो भी वहां पे अपनी हाउसिंग स्कीम लेके आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी वहां पे बड़े अच्छे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और अभी एक और भी डेवलपर है जो उसी एरिया में आ रहा है, तो आपका जो नंबर वन पे तो ये बात होगी कि सबसे डिमांडिंग एरिया जो है ना वो अल कबीर ऑर्चर्ड की विसिनिटी है, ठीक है। नंबर थ्री के ऊपर आप देखेंगे रूडा का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो भी उसी विसिनिटी के अंदर है, क्योंकि वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए अभी जो भी डिवेलपर वहां पर काम कर रहा है इंक्लूडिंग अल कबीर के, सब लोगों के प्रोजेक्ट बहुत बड़े बनेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारा भी प्रोजेक्ट
बहुत बड़ा बनेगा। ये एक लोकेशन ऐसी है कि ये अल कबीर ऑर्चर्ड अभी 3 मरला 5 मरला हमने दिया, फिर कनाल 8 मरला 10 मरला भी हमने दी, अभी ये बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेज पे है। अभी ये देखेंगे दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज द प्लॉट एंड इन्वेस्ट इन दैट प्लेस, कि इस वक्त जो लोग वहां पे अपना चले जाएंगे उनके लिए ये फ्यूचर में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी आपकी तरह रियल एस्टेट का मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं उन सारी चीजों को जब एनालिसिस करते हुए बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि काला शकाकू के ऊपर जो भी रिलायबल लोग काम कर रहे हैं, जो भी रिलायबल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लाहौर के लोगों के लिए और जो लाहौर के कनेक्टिंग सिटीज हैं उनके लिए भी। जी साहब, आपकी सोसाइटी माशाल्लाह आप एक अफोर्डेबल हाउसिंग देते हैं, लेकिन वो कल्चर नहीं है आर्टिफिशियल ऑन का, ज़खीरा अंदोजी का, वो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियां पाकिस्तान में अपनाती हैं। आपकी हाउसिंग में हमेशा देखा है कि आप कोशिश करते हैं कि हर एंड यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचे और उसके बाद एंड यूजर ने बड़ा पैसा कमाया है। मतलब आपका अलबी था 15 लाख रुपए का प्लॉट आज 65-70 लाख रुपए में हो गया, इसकी क्या वजह है? एक तो आर्टिफिशियल ऑन यहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा ये बताइएगा कि क्या आपने वाकई सोचा था 15 लाख रुपए का प्लॉट उस वक्त आप 2016 में बेच रहे थे आज वो 70 लाख रुपए का हो जाएगा? जी बिल्कुल, नंबर वन के ऊपर तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि जो प्लॉट हमने 15 लाख का बेचा था आज वो 65-70 लाख का है। ये उस वक्त जब हमने प्लॉट 15 लाख का लॉन्च किया था ना, उस वक्त लोग मुझे ये कहते थे कि ये प्लॉट आप हमें 30 लाख का दे दें, लेकिन आप बिलीव करें अल्लाह इस बात पे गवाह है कि मेरे दिल में ये बात आती थी कि अगर ये प्लॉट मैं 30 लाख का रख दूं तो लोग किस्त कैसे देंगे। यानी कि मैंने कभी अपने प्रॉफिट को नहीं सोचा, मैं हमेशा लोगों के बजट को देखता हूं कि मेरा तो चलें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरी क्या जबान हिलनी है, कलम चलनी है, 15 का प्लॉट 20 का रख दें, 20 वाला 30 का रख दें, हम बड़े इजीली पैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट के अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है। मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस क्लास के लिए काम कर रहा हूं ना, जिस मकसद को मैंने अपनाया है, मेरा वो मकसद पूरा तब होता है जब एक गरीब मेरी माँ बहन बेटी घर बनाती है, जब एक बेवा खतून कोई घर बना लेती है, जब कोई एक यतीम बच्चा घर बना लेता है, जब एक किसी ऑफिस में काम करने वाला कोई क्लर्क घर बना लेता है, आप बिलीव करें कि मेरा प्रॉफिट मेरी जेब में आ जाता है। ठीक है, तो ये वो वजह थी कि हमारे प्लॉट में तो उस वक्त भी डबल प्राइस की मेरे पास थी, हमने प्लॉट लॉन्च किया उसी वक्त तो 5 लाख ऑन पे चला गया, अगले दिन 10 लाख ऑन पे चला गया, तो हमारी प्रोडक्ट में पोटेंशियल होने के बावजूद मैं जानबूझ की कीमतें कम रखता हूं कि लोगों को फायदा हो और लोग आसानी के साथ घर बना सकें। दूसरी बात ये रही कि एक आर्टिफिशियल ऑन बना देना या जखीरांदोजी करना, आप बिलीव करें लोग मेरे पास अरबों रुपया लेके आते हैं, मतलब कि बोरी भर के ले आते हैं पैसों की, ये ले लें जी आप हमें पूरा एक ब्लॉक दे दें। मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया, मैं हमेशा अपने साथ वो डीलर्स को अटैच रखता हूं जो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट काम करते हैं, जो जखीरांदोजी नहीं करते हैं, जो आर्टिफिशियल ऑन नहीं बनाते हैं। मैं कहता हूं मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे टाउन की प्राइसेस ऊपर जाएं, लोगों को प्रॉफिट हो, लेकिन एक तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए, एक टाइम के साथ होना चाहिए और उसमें लोगों को इन्वॉल्व होकर प्रॉफिट होना चाहिए, ना सिर्फ कि एक ही बंदा पैसे कमा के बैठ जाए और फिर जो एंड यूजर है उसको बहुत महंगी चीज मिले। देखिए आपने प्लॉट लिया हमसे, आपका राइट बनता है, आप उसमें से अपनी मजदूरी कमाएं, उसके बाद आगे क्लाइंट ने प्लॉट ले लिया है, उसने रखा है कुछ देर, उसको फायदा हो, फिर अगले ने ले लिया उसको फायदा हो। लेकिन लोग यहाँ पे अपनी बेटियों के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग यहाँ पे अपने बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा ये होता है कि जो बंदा एंड यूजर है, जिसने हमारे साथ साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का टाइम गुजारना है, उसको जरूर बेनिफिट हो। तो मैं जो जखीरांदोज हैं उनको हमेशा डिस्करेज करता हूं, जो बड़े बड़े हैवी इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, उनको मैं डिस्करेज करता हूं। मैं हमेशा एंड यूजर को और जो गरीब लोग हैं मेरे मुल्क के, जो मेरे जैसे हैं, जो मेरी क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मैं हमेशा उनको इनकरेज करता हूं कि उनको फायदा हो। चौधरी साहब, आपकी जब ये सोसाइटी आई है तो बहुत सारे यंगस्टर्स को भी काम करने का मौका मिला है और आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डीलर मार्केट भी है, तो आप क्या समझते हैं इन डीलर्स का जो आपके साथ इस वक्त एसोसिएट हैं, डीलर कम्युनिटी क्या समझते हैं, क्या रोल रखती है कबीर के लिए? क्योंकि मैंने बहुत सारे डेवलपर्स देखे हैं, आपने देखा होगा गुलबर्ग की बड़ी बड़ी प्राइम लोकेशंस पे लोगों ने अरबों की प्रॉपर्टियाँ बनाई, लेकिन जो डिवेल्पर होता है वो कहता है मैं ही बेचूँ, ऐसे ही फैसलाबाद में चले जाएँ और सिटीज़ में चले जाएँ। ज़्यादातर डिवेल्पर्स की कोशिश होती है मैं बस खुद ही प्लॉट बेच लूँ,
अच्छा, आपने पूरा एक निज़ाम बनाया, मतलब आप डिलीवरी कर रहे हैं और आपने और लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है और पूरी मार्केट स्टैब्लिश की है, इसका ख्याल आपके जेहन में कैसे आया? जी देखें, ये बेसिकली चूंकि मैं खुद इसी डीलर कम्युनिटी से हूँ, मेरा बैकग्राउंड यही है कि मैंने जब 2010 में जॉब छोड़ी थी तो मैंने रियल स्टेट को ज्वाइन किया था और रियल स्टेट एजेंट के तौर पे मैंने काम का स्टार्ट लिया था। मैं एकदम सीधा डायरेक्टली डेवलपर नहीं बन गया था। अब एक तो मेरी मोहब्बत है इन डीलर्स के साथ, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से हूँ, इन लोगों में से हूँ। मैं खुद भी पहले प्रॉपर्टी डीलर था, मैं खुद भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रियल एस्टेट एजेंट था। तो सबसे पहली तो मेरी ये एसोसिएशन और अटैचमेंट है इस बरादरी के साथ कि ये सारे मेरे भाई हैं, ये सारे मेरी एक फैमिली है। ये जितनी भी रियल एस्टेट है, मैं सिर्फ अलकबीर की डीलर्स नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो डीलर्स हैं, मैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके हेल्प आउट करने के लिए मैं हमेशा तगोदो में रहता हूँ। और कोई भी ऐसा काम मुझे पता चल जाए कि मेरे हाथ से रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए, रियल एस्टेट की बरादरी के लिए हो सकता है, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। ठीक है, तीसरी बात ये होगी कि लोग आपको लोगों का राइट देना चाहिए। ठीक है, आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान में अभी रियल एस्टेट ब्रोकर को वो राइट्स नहीं दिए गए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली दिए गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट को अपनी प्रॉपर्टी देता है तो उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद फिर सिर्फ वही रियल एस्टेट एजेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये कानून है पूरी दुनिया के अंदर। तो पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया के अंदर लोग रियल एस्टेट के एजेंट अपॉइंटमेंट देते हैं, लोग रियल एस्टेट एजेंट्स को बाय अपॉइंटमेंट मिलते हैं और रियल एस्टेट एजेंट उनको चार्ज करते हैं कुछ चीज भी दिखाने का, सर्वे करवाने का, सारी चीजों का, जैसे डॉक्टर होता है, जैसे कोई भी कंसल्टेंट आप किसी के पास चले जाएं, हर बंदा आपसे फीस चार्ज करता है। पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट के डीलर्स हैं, ये इतने भले मानस हैं, इतने शरीफुल नफ्स हैं कि ये अपनी गाड़ियों पे लोगों को ले जा रहे होते हैं, विजिट करवा रहे होते हैं, फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद भी अगर क्लाइंट के साथ डील मैच्योर नहीं करता, फिर भी उसको एक स्माइल के साथ सी ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी जो एसोसिएशन है, मैं चूंकि खुद इस कम्युनिटी से हूँ तो मेरी इनके साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन है और अलकबीर टाउन की तरक्की में, मेरी तरक्की में, ये आप कह लें कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनका मरकजी किरदार है और ये लोग मेरी फैमिली हैं। जैसे एक मेरी फैमिली घर में है, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई हैं, और दूसरी मेरी फैमिली ये रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं और इनकी वजह से मुझे अरबों रुपयों का फायदा होता है। आप ये देखें कि अलकबीर टाउन ने कभी सिंगल पेनी भी जो है ना वो मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस नहीं किया। कभी आपको हमारे बिलबोर्ड नहीं नजर आते, कभी आपको टीवियों के ऊपर हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम नजर नहीं आते। उसकी वजह यह है कि ये मेरी रियल एस्टेट ब्रादरी जो है, ये सारे मेरे टीवी चैनल हैं, ये मेरी मार्केटिंग है। तो ये माशाल्लाह इतना मेरे लिए जान से, दिलो जान से, नीयत से काम करते हैं। तो अलकबीर टाउन का जो ये मॉडल है, और फिर देखें एक चीज और मैं आपको बताऊँ, देखें जब आपको रियल एस्टेट का एक एजेंट, आप ये चीज को बड़ा, ये मेन पॉइंट है, आप जब कोई भी क्लाइंट एक रियल एस्टेट ब्रोकर के थ्रू चीज लेता है, आप बिलीव करें वो बेचारा एक बार कमीशन लेता है, लेकिन जब तक वो बंदा घर बना के अपने घर में शिफ्ट नहीं हो जाता, रियल एस्टेट एजेंट उसको सारी जिंदगी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता रहता है। ठीक है, उसने फाइल ले ली है, उसने किस जमा करानी, उसने रियल एस्टेट को फोन करना है, एजेंट को फोन करना है, उसने कोई सोसाइटी के साथ मसला हो गया है, उसने इंफॉर्मेशन लेनी है, रियल एस्टेट एजेंट 24 घंटे के लिए उसके लिए हेल्पलाइन का काम करता है। फिर अगर उसको उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान अपनी चीज सेल करनी पड़ती है तो रियल एस्टेट एजेंट उसको रीसेल में हेल्प करता है, उसको अच्छे प्रॉफिट पे सेल करवाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है। तो मैं ये समझता हूं कि क्लाइंट भी जो हैं, उनको भी चाहिए कि वो रियल एस्टेट एजेंट्स जो अच्छे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह आपका प्लेटफॉर्म है कितना अच्छा काम कर रहा है, आप लोग एक बड़ी जिद्दत और ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस तरह के अगर इदारे के थ्रू कोई बंदा अपनी बुकिंग करवाता है, प्लॉट लेता है, तो उसको एक लाइफ टाइम कंसल्टेंसी मिल रही है, तो जिसमें आप लोगों की कोई बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं है, बामुश्किल आप लोगों के मार्केटिंग के या छोटे मोटे एक्सपेंसेस पूरे होते हैं, ऑफिस के चीजें पूरी होती हैं। तो इस इंडस्ट्री को मैं तो इनकरेज करता हूं, अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी को इनकरेज करता हूं और अपनी यंग जनरेशन से कहूंगा कि वो भी इस फील्ड में आए, इसमें कदम रखें, इसमें बहुत पोटेंशियल है और इस इंडस्ट्री को जिद्दत पे लेके चले जाए। तो जी साहब, रिसेंटली आपने एक टीवी चैनल भी खरीदा है, आप अब डिफरेंट बिजनेसेस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं या रियल एस्टेट ही आपका एक मेन बिजनेस है और आप इसी में अपने नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे? जी देखें, मैं दो तीन चीज़ों के अंदर ना, जैसे आपको पता है कि जैसे मेरा माइंड सेट है ना, मेरा माइंड सेट ये है कि जिस फील्ड के अंदर भी ना लोगों के लिए मुश्किलात हैं, मैं वहाँ जाके आसानियाँ पैदा करूँ। ठीक है, हम अलकबीर जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अलकबीर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता है या जो अभी भी हम बिजनेस कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अलकबीर का कोर बिजनेस रियल एस्टेट है,
जो कि इंशाल्लाह हमेशा रियल एस्टेट हमारा कोर बिजनेस रहेगा, हमारा बुनियादी काम मेन जो है वो यही रहेगा। इसके साथ हम एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से हमारे लोगों को जो गजा है, जो खुराक है, उसके अंदर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं, और मुझे इसके अंदर पोटेंशियल भी नज़र आता है। अभी आप अगर बिल गेट्स को देखें तो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डर है वो बिल गेट है। एक साइड पे वो सबसे बड़ा आईटी का उसका बिजनेस है और दूसरी साइड पे एग्रीकल्चर में भी वो टॉप पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ग्लोबली आगे जो फूड क्राइसिस मुझे समझ आती है कि आगे वर्ल्ड में आएंगे, जिसके लिए अभी से जो बंदा एग्रीकल्चर में चला जाएगा वो अच्छा बिजनेस करेगा, एक तो इसमें है। दूसरी बात जो मीडिया की है, मीडिया के अंदर तो हमने इसलिए कदम रखा है कि हम अपने मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज दिखा सकें। ये हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ और पाकिस्तान में ये हो गया और वो हो गया, इस तरह की खबरों से मैं अपनी कौम को बाहर निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए। आप बिलीव करें कि बाहर के मुल्कों में भी क्राइम हो रहा होता है, लेकिन वो हर वक्त अपनी रैंकिंग बढ़ाने के चक्कर में, ये नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज इधर ये हो गया, ब्रेकिंग न्यूज उधर वो हो गया। देखिए, एक बंदा बेचारा अपने ऑफिस से थका आ रहा, काम करके आया है, वो सामने टीवी लगा रहा है और टीवी के ऊपर वो सारा वही चल रहा है। वो बंदा रिलैक्स होने की बजाय बेचारा फिर वो और अजाब में पड़ जाता है कि यार ये, और वो बुरी सोचों के साथ बेचारा सो जाता है। सुबह उठता है तो फिर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। तो मीडिया में हमने कदम इसलिए रखा है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एक पाकिस्तानियत को उजागर किया जाए, एक मुहिब्बे वतन लोगों को आगे लाया जाए और मजलूम की आवाज़ बना जाए। मीडिया तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उससे हमारा प्रॉफिट कमाना, बिजनेस करना कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट हम अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए मीडिया में आए हैं। उसके अलावा हम पाकिस्तानियों को ये देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स देना चाहते हैं, छोटी इलेक्ट्रिक कार्स, के हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग जिनकी आमदन कम है, वो मेरान टाइप या इस तरह आल्टो टाइप या इस तरह की गाड़ी हो छोटी, जिसमें लोग इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज करें और अपने ऑफिस पे जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, बारिश से, आंधी से, तूफान से बच के तो लोग मूवमेंट कर सकें, इसमें जा रहे हैं हम। उसके अलावा हमारी अलकबीर एयरलाइन है, जो मेरी अमेरिका में कंपनी है, अलकबीर कारपोरेशन, अमेरिका में भी हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, यूरोप में भी है, दुबई में भी है, अफ्रीका में भी है, तो ये सारी जगहों पर हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेन बिजनेस है। उसके साथ लाइट बिजनेस, जहां जहां मुझे फील होता है कि यहां मैं लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकता हूं, तो उस बिजनेस में हम इंशाल्लाह कदम रखेंगे।